ऑल ऑफ यू बच्चों, पहले हम अलंकार पढ़े थे, आज पढ़ेंगे पत्र लेखन। पत्र लेखन, पत्र लेखन का भावार्थ। आज वर्तमान में मोबाइल का जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है, और आज मैसेज मोबाइल के माध्यम से हम करते हैं, अपनी सूचना जो है, अपने विचार जो है आदान प्रदान करते हैं कंप्यूटर के माध्यम से, चैट के माध्यम से। लेकिन पत्र का आज भी वो दर्द और वो एहसास, और वो इसने जो पत्र में झलकता है वो दर्द इसने जो है आज वर्तमान के मोबाइल में नहीं झलकता। आप इस बात को जानते हैं, क्योंकि एक समय था जब लोगों को पत्र का बड़े बेसब्री से इंतजार हुआ करता था। बेसब्री से लोग पत्र का इंतजार किया करते, और पत्र क्यों लिखते, लोग जो है अपनी बात उन तक पहुंचाने के लिए जिस बात को कहने में झिझकते थे, लोग संकोच करते थे, डरते थे, ऐसे बातों को व्यक्त करने के लिए, अपने हृदय के उद्गार को, भावनाओं को व्यक्त करने के लिए पत्र का प्रारंभ हुआ, पत्र लिखा जाने लगा। और पत्र जो है जब लोग लिखते थे तो पत्र की एक विशेष भूमिका हुआ करता था, एक विशेष भावार्थ हुआ करता। आज वो भावार्थ जो है, आज वो भावनात्मक भावना जो है मोबाइल में देखने को नहीं मिलता, जो पत्र में हुआ करता। और पत्र के दो प्रकार, औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र ये उसे लिखा जाता है जिनके साथ भेजने वाले का कोई संबंध नहीं होता। जैसे हम कलेक्टर को लिख दिए, प्रचार को लिख दिए, या किसी कार्यालय को लिख दिए, वो औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र लिखना आवश्यक होता है, बगैर लिखे हमारा काम नहीं हो सकता। जैसे औपचारिक पत्र करता है, जैसे मान के चलिए किसी दफ्तर के लिए हम जो है किसी पोस्टर के लिए, किसी पद के लिए हम आवेदन कर रहे हैं, तो वहां पे भी पत्र लिखना ही पड़ेगा, बगैर लिखे हमारा नाम वहां दर्ज नहीं होगा, बगैर पत्र लिखे हमारा काम नहीं होगा। इसलिए औपचारिक पत्र लिखना आवश्यक होता है, भले ही गलत लिखा, लेकिन लिखना पड़ेगा, बगैर लिखे काम नहीं चलता, वो औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र वे पत्र हैं जिसे बगैर लिखे भी हमारा काम चल सकता। जैसे मान के चलिए आप किसी को विवाह का निमंत्रण देना चाहते हैं, आपके घर में कोई उत्सव हो रहा है, विवाह उत्सव रहे या और कहीं अन्य भी उत्सव हो रहा है, उसका निमंत्रण देना चाहते हैं। अब निमंत्रण जैसे मुझे देना चाहते हैं, वो मान लीजिए, तो मुझे तक वो पत्र के माध्यम से सूचना पहुंचाओगे या कार्ड के माध्यम से सूचना पहुंचाओगे? मान लीजिए ये संभव नहीं है, क्या करोगे? लेने से जो है पटेल सर के घर के तरफ रहता है, उसके माध्यम से आप उस तक सूचना पहुंचा देंगे। वो लेने जाके बता दिया, पटेल सर फलाने यहाँ ऐसा ऐसा कार्यक्रम है, इस दिन विवाह है, इस दिन बारात जाना है, इस दिन है। तो पत्र लिखना पड़ा क्या? नहीं पड़ा, बगैर लिखे भी आपका काम हो सकता है, बगैर लिखे भी वो मुझे वो सूचना। तो ये है आपके अनौपचारिक, ठीक है। औपचारिक पत्र तीन प्रकार के, कार्यालय पत्र, व्यवसायिक पत्र और प्राथमिक। औपचारिक पत्र तीन प्रकार, कार्यालय पत्र के अंतर्गत वे पत्र आते हैं जो हम किसी संस्था को, किसी कार्यालय को लिखते हैं, ठीक है। और व्यवसायिक पत्र वे पत्र आते हैं जिसमें हम व्यवसायिक बातों को व्यापार की दृष्टि से लिखते हैं। और अगला है प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र के अंतर्गत वे पत्र आते हैं जब हम किसी को प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, जैसे शुल्क मुक्ति के लिए आप प्रचार्य से प्रार्थना करते हो, तो वो प्रार्थना पत्र का अंतर्गत है। और इस प्रकार से जैसे मान के चलिए हम औपचारिक पत्र लिखते हैं, तो सेवा में श्रीमान प्रचार्य जी सर्वोदय उच्चतर माध्यमिक शाला धमतरी, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़। बहुत सारे लोग जो है सर्वोदय उच्चतर माध्यमिक शाला लिखने के बाद जिला धमतरी लिखते, जबकि दो बार धमतरी लिखने का भावार्थ यह है, ये धमतरी जो है आपके नगर को बताता है, आपके शहर को बताता है कि आपका विद्यालय है फलाने नगर या फलाने शहर, और यह धमतरी जो है उस नगर के जिला को बताता है कि वो
वह नगर जो है किस जिला का। तो इस प्रकार से यहां तीन पंक्ति का प्रायः समावेश होता है और उसी प्रकार से विषय आप किस विषय को लिखना छुट्टी हेतु लिखना चाह रहे हैं या और कोई अन्य विषय उस विषय को लिखना पड़ेगा। और महोदय महोदय के बाद यहाँ पे समान सूचक चिन्ह का लगना आवश्यक है इसलिए क्योंकि जिसको भी हम पत्र लिख रहे हैं वो कोई सम्मान व्यक्ति है और यहाँ पत्र लिखने का शाब्दिक अर्थ है पोस्ट के आधार पर लिखे जाते हैं पद के आधार पर लिखे जाते हैं। जैसे प्राचार्य जी ये पद यहाँ पे श्रीमान कलेक्टर महोदय भी हो सकता है जिलाधीश भी हो सकते हैं वो पद के आधार पर लिखे जाएंगे किसी के रिश्ते नाते के आधार पर नहीं लिखे जाएंगे। और उसी प्रकार से इस औपचारिक पत्र में दिनांक जो है नीचे लिखे जाते हैं और उसके साथ साथ प्रार्थी आपका नाम पता पुनर्वय यहाँ पे होगा। और उसी प्रकार से अनौपचारिक अनौपचारिक पत्र मतलब व्यक्तिगत रिश्ते नातों के आधार पर जो हम पत्र लिखते हैं उसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं। और अनौपचारिक पत्र भी वैसे ही प्रारंभ होता है शुभ स्थान धनतरी से और यहीं पे दिनांक होगा और उसके बाद रिश्ते नातों के आधार पर पूज्य चाचा जी पूज्य माता जी रिश्ते नातों के आधार पर आपके सम्मान सूचक संबोधन वाक्य होगा। ठीक है तो इस प्रकार से और रिश्ते नातों के आधार पर ये पत्र लिखे जाते हैं। अगर बड़े हैं तो पूज्य पूजनी ठीक है अगर इसने छोटे हैं तो इसने आशीर्वाद ऐसे और बराबर के तो नमस्ते नमस्कार ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र दोनों पत्र में यही अंतर है थोड़े थोड़े अंतर है बहुत भारी भरकम अंतर नहीं है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना जब हम औपचारिक पत्र लिखते हैं और अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो यहां थोड़े बहुत हमें अंकुश लगाना पड़ता है स्वतंत्रता पर पूर्ण स्वतंत्रता में नहीं मिल पाता लिखने के लिए और यहाँ पे पूर्ण स्वतंत्रता मिलता है लिखने के हम यहाँ पे पूर्ण स्वतंत्र है लिखने के क्योंकि इसमें स्वतंत्रता इसलिए नहीं सेवा में है तो सेवा में उसी स्थान पर लिखोगे ठीक है श्रीमान उसी स्थान पर लिखोगे इसे आप दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते। उसी प्रकार से महोदय लिखना भी आवश्यक है और यहाँ पे शुभ स्थान धनतरी दिनांक उस स्थान पर लिखने के बाद बाकी आप कहीं पर भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से दोनों में ये भिन्नता स्वतंत्रता जो है दोनों में बराबर नहीं मिलता है बल्कि इसमें अंकुश लगाने पड़ते हैं अंकुश रहना पड़ता है ये मर्यादित अर्थात एक नियमता चलता है और इसमें नियमता बहुत आवश्यक नहीं है। तो इस प्रकार से औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र इस प्रकार से है और इसके अलावा बाकी जो है बाद में और ठीक है।